व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों? इन जनरल क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अलग अलग क्राइटेरिया या फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप या फिर कैटेगरी में सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख सकता है। बट इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का कुछ अलग मतलब है। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का मतलब है एक साइंटिफिक मेथड जिससे कि हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हम अलग अलग ग्रुप में अरेंज करके रख सकते हैं। एंड साइंस के जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिजम्स को ऐसे क्लासीफाई करते हैं एंड एज वेल एज उसका नेमिंग करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो आपके मन में अब सवाल आएगा कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, व्हाट आर द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? तो दोस्तों क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग रीज़न है। क्लासिफिकेशन से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के जरिए हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है उसको स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए भी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? यूजुअली तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक है नेचुरल सिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम, तीसरा या फिर थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम है वो कुछ फिजिकल कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन करता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या फिर जो जेनेटिक ट्रेट है उसके ऊपर डिपेंड करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उसको, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइज, शेप, कलर या फिर हैबिटेट इन सब के ऊपर डिपेंड करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। एंड ये जो कैरेक्टर्स है ये ओवर द टाइम चेंज होता है, यानी कि समय के साथ साथ चेंज होता है, जिसके वजह से ये जो सिस्टम है यानी कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। एंड जो थर्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो कि फाइलोजेनेटिक स्टडी के ऊपर डिपेंड करके किया जाता है। फाइलोजेनेटिक्स आप जानते ही होंगे कि ये एक साइंस है जिसमें कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड उसका जो रिलेशनशिप उसको स्टडी करते हैं। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसके थ्रू हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन का नीड क्या है एंड कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन। थैंक यू।